नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत है आपका हमारे चैनल बियॉन्ड डिग्रीज पे। आज हम बात करने वाले हैं बैड बैंक्स के बारे में। हम देखेंगे कि बैड बैंक्स क्या होते हैं और ऐसा क्या हुआ कि हमें बैड बैंक बनाने की ज़रूरत पड़ रही है। हम ये भी देखेंगे कि बैड बैंक्स पूरी दुनिया में कहीं पहले से बने हुए हैं या नहीं। हम ये देखेंगे कि बैड बैंक्स जो हैं, और बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि बैड बैंक जो होते हैं वो ARC होते हैं क्या, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज़ का केवल दूसरा नाम है क्या बैड बैंक्स। तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे डिफरेंस क्या है एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज़ में और बैड बैंक्स में, और हम देखेंगे कि इसके प्रोस क्या हैं और इसकी खामियां क्या हैं, और हम देखेंगे कि क्या हम इसमें सुधार कर सकते हैं, और हम देखेंगे कि गवर्नमेंट जो है वो इसी एन पे क्यों नहीं आ पा रही है और वो क्यों इतना कंफ्यूज है कि हमें बैड बैंक बनाने चाहिए या नहीं बनाने चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। तो COVID-19 से पहले इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन हो रहा था कि हमें बैड बैंक्स बनाने चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे क्या हुआ था, बहुत सारे घोटाले थे जो कि उजागर हो गए थे, जैसे कि नीरव मोदी का घोटाला लीजिए या विजय माल्या का घोटाला, तो कई 10,000 करोड़ से ऊपर के घोटाले हो चुके थे, मतलब लाखों करोड़ में आंकड़ा पहुँच गया था इन घोटालों को अगर आप सबको कंबाइंड कर लीजिए। तो क्या हुआ था कि काफ़ी ज़्यादा गवर्नमेंट के खेमों में ऐसी बातें उठने लगी थी कि हमें बैड बैंक्स बनाने चाहिए, लेकिन फिर क्या हुआ COVID-19 आ गया और भी ठंडे बस्ते में चला गया। लेकिन अब फिर से जब से कि गवर्नमेंट देख रही है कि जो NPAs है वो एक टाइम पे पहले जब IBC आया था हमारा इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड COVID-19 से पहले, तो इसके जो NPS थे वो घटा करके हमने लगभग 8% पे ले आए थे हमने, लेकिन फिर से क्या हुआ COVID-19 की वजह से क्या हुआ काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ पे काफ़ी ज़्यादा बुरा इफेक्ट पड़ा है। इसकी वजह से क्या हुआ है कि हमारा NPA है वो बढ़ गया है। तो इसकी वजह से दोबारा अब गवर्नमेंट जो है वो सोच रही है इस बारे में कि हमें बैड बैंक्स बनाने चाहिए। तो आप ये देख सकते हैं कि जो बैड बैंक है उनको बनाने की ज़रूरत क्यों है। जैसा कि मैं आपको भी बता रहा था कि 2019 के टाइम के अगर आंकड़े भी हम देखते हैं तो उस टाइम पे क्या है कि 9.08% पहुंच गया था ये टोटल जो हम लोन दिया था हमने, वो आप देख सकते हैं टोटल में जो लोन दिया था उसका अमाउंट था 102 लाख करोड़ रुपये। अगर आप इंडियन करेंसी में उसको कन्वर्ट करते हैं, मैं डॉलर में नहीं आपको रुपये में बता रहा हूँ, 102 लाख करोड़ रुपये इंडिया ने 2019 में इंडिया के सारे पब्लिक सेक्टर बैंक और प्राइवेट सेक्टर बैंक को हम मिला करके अगर कंबाइंड करके देखें तो लगभग 102 लाख करोड़ रुपये हमने लोन दिया था। उन 102 लाख करोड़ में से लगभग 9.08% जो है वो रिटर्न नहीं आया। अगर वो 9.08% के टर्म्स में है, अगर आप उसको रुपये के टर्म में करके देखेंगे तो वो कितना हो जाएगा, 9.34 लाख करोड़। ये एक बहुत ही बड़ा अमाउंट है। अगर आप कहीं अगर इतना लोन अगर पाकिस्तान जैसी इकोनॉमी के ऊपर पड़ गया होता तो पाकिस्तान जो है वो वैसे ही खड्डे में है और उनकी कंडीशन और ख़राब हो सकती है। लेकिन क्या है कि इंडिया क्योंकि एक बहुत ही बड़ी इकोनॉमी है तो, और हमारे पास कंटिन्यूसली FDI और FPI और इतना सारा हमारे यहाँ पे बाहर लोग रहते हैं वो हमारे यहाँ पे भेजते रहते हैं, तो इसमें से क्या होता है कि हमें इसका इंपैक्ट जो है वो दिख नहीं पाता है। हमें केवल पेपर में रिपोर्ट्स पढ़ने को मिलती हैं कि इतना ज़्यादा NPA हो गया, लेकिन फिर भी हमें लगता है कि देश तो चल रहा है। तो हमें इसका सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। अगर NPA ऐसे ही बढ़ते रहे तो एक समय के बाद क्या होगा कि ये जो हमारी ग्रोथ है उस पर जाके रोक लगा देंगे। हम इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे कि कैसे ये ग्रोथ के ऊपर रोक लगा पाएंगे। इंडिया की जो आप ग्रोथ रेट देखते हैं 6% 7% है, तो अगर हम उसको और बढ़ाना चाहते हैं, उसको 10% 8% तक लेके जाना चाहते हैं, तो इसकी वजह से इसके लिए हमें सबसे पहले हमें NPA का सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। हमें कुछ ऐसा लाना पड़ेगा इससे हमारे NPA जो है वो कम हो पाएँ और आगे से हम उनको अच्छे से डील कर पाएँ। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि बैड बैंक्स क्या होते हैं। तो बैड बैंक्स, अगर कई सारे लोगों ने पहली बार इस वर्ड को सुना होगा तो वो सोच रहे होंगे बैड बैंक्स कुछ ऐसा होता होगा जैसे कि बुरे बैंक होते हैं, लेकिन बुरे बैंक नहीं होते हैं। ये बैड बैंक्स कुछ उन्हीं की तरह हैं जो सफाई कर्मी हैं हमारे देश के, जो कि क्या कर रहे हैं, हमारे देश को स्वच्छ बना रहे हैं। तो लोगों की नज़र में हो सकता है उनको कहने के लिए वो बोल दें कि अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो सबसे बढ़िया काम कर रहे हैं। अगर वो अपना काम छोड़ दें तो हमारा देश जो है उसमें गंदगी जो है वो आपको हर जगह दिखाई पड़ेगी। तो ये एक स्वच्छता कर्मी वाला जो रोल है ये बैड बैंक्स जो है ये उन बैंकों के बीच में प्ले करने वाले हैं। तो इनका काम क्या रहेगा कि ये सारे जितने भी बैंक है, चाहे वो पब्लिक सेक्टर बैंक हो या फिर प्राइवेट सेक्टर बैंक हो, ये क्या करेंगे, उन सारे बैंक्स का जो NPA जो होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट, ये क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि मैं आपको समझा देता हूँ NPA क्या है, जो ताकि आप आसानी से समझ पाएं इसे। तो NPAs क्या होते हैं कि अगर मान लीजिए कि किसी ने 1,000 करोड़ रुपये लोन लिए थे और उनको अपनी लोन की किस्तें सबको भरनी होती हैं, या वो मंथली हो या क्वार्टरली हो, तो उस तरीके से वो अपनी किस्तें भर रहे हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कि उन्होंने डिफ़ॉल्ट कर दिया, मतलब वो अपनी किस्तें अगर टाइम पर नहीं भर पाए, तो एक ऐसा टाइम पीरियड होता है 180 दिनों का जो कि RBI ने सेट किया हुआ है। अगर मान लीजिए इससे ज़्यादा हो जाते हैं तो फिर क्या करता है कि वो जो बैंक है उनको ये बताना पड़ता है कि ये वाले जो लोन लिया गया था ये अमाउंट डिफ़ॉल्ट, ये बंदा डिफ़ॉल्ट कर गया, ये कंपनी डिफ़ॉल्ट कर गई, और ये जो इन्होंने लोन लिया था उसको फिर वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब कि ये जो एसेट था अब वो जो हमने इनको लोन के तौर पर दिया था अभी वापस नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको कह देते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट। मतलब ये वापस आने की इसकी गुंजाइश बहुत कम है गुंजाइश लेकिन बहुत कम। तो अभी क्या होता है कि वो सारे जो बैंक्स होते हैं वो कई बार कोर्ट्स में जाते हैं और फिर केसेस लड़ते हैं और लंबे, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और फिर मान लीजिए कोई एक बंदा, उसने अगर 4 अलग अलग लोगों से लोन लिया हुआ है,
चार अलग अलग बैंकों से लोन लिया हुआ, और हर बैंक अगर जा जाके अलग अलग अपने अपने लेवल पे जा करके अगर वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अपील करता है, तो उससे क्या होता है, उनकी बहुत ज़्यादा एनर्जी, बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है बैंकों का। इस वजह से जो उनका असली काम है, जो कि क्रेडिट देना है लोगों को, ताकि लोग क्रेडिट लें, अपना काम करें और पैसे लौटाएं, तो उससे क्या होगा, कंट्री भी ग्रो करेगी, हमारी इकोनॉमी भी ग्रो करेगी, और बैंकों के पास भी फंड आएगा ताकि और आगे फिर लोन दे पाएँ। तो ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस है वो रुक जाता है। तो इस प्रोसेस को अगर हमें सही से चलाना है, तो हमें ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि हमें NPA का सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा कहीं ना कहीं से। तो इसके लिए एक बहुत अच्छा उपाय है बैड बैंक्स, अगर क्योंकि ये क्या करते हैं, सारे NPAs अपने अंदर ले लेते हैं, तो फिर इनका क्या होता है कि एक तरीके से मास्टरी डेवलप हो जाती है उस चीज़ में। ये क्या करते हैं कि इनको पता लग जाता है कि हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा NPA जो है उसको हम असली कन्वर्ट कर सकते हैं वापस, और वो लोन चालू, जो लोन उन्होंने लिया था उसको हम कैसे वापस ला सकते हैं। तो ये इनको आइडिया लग जाता है, क्योंकि क्या होता है, एक्सपर्टीज डेवलप हो जाएगी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। अगर कोई बंदा सेम काम कर रहा है तो उसकी एक्सपर्टीज़ हो जाती है। तो बैड बैंक से होंगे केवल NPAs में क्योंकि डील कर जाएंगे, तो ये क्या होगा, इनकी एक्सपर्टीज़ हो जाएगी कि कैसे हम NPA से पैसा निकाल पाएँ। तो इस वजह से बैड बैंक्स जो हैं वो भी इंडिया में ज़रूरी हैं। अभी इंडिया में कोई भी ऐसा बैड बैंक बना नहीं है, पर वर्ल्ड में काफ़ी सारे एग्जांपल्स हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे अगली स्लाइड में। ये देखिए, आपने जो हमारे जो बैड बैंक्स हैं, इनको हमने जब पहली बार बैड बैंक्स का जो नाम सुनने में आया था पूरी दुनिया में, वो 2007-08 के जब रिसेशन हुआ था, जब पूरी दुनिया रिसेशन में चली गई थी, उस टाइम पे ये पहली बार हमने सुनने में आया था, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस जब हुआ था। उस टाइम पे क्या हुआ था, जो बड़े बड़े बैंक जैसे लेहमन ब्रदर्स आपने अगर नाम सुना होगा यूनाइटेड स्टेट्स का, वो डूब गया था। तो इसी तरीके से एक और दुनिया के सबसे बड़े बैंकों में से एक है, जैसे सिटी बैंक हुआ, तो सिटी बैंक जो था वो भी डूबने वाला था, क्योंकि उनके ऊपर आप ये देख रहे हैं लोन कितना हो गया था, $900 बिलियन, जो कि एक बहुत ही बड़ा अमाउंट है। बड़े ही वो सिटी ग्रुप जो है वो कितना भी बड़ा ग्रुप है, लेकिन $900 बिलियन जो है बहुत बड़ा अमाउंट। तो इस वजह से क्या हुआ था, वो भी उनके भी डूबने के चांसेस हो गए थे। फिर लेकिन उन्होंने क्या किया कि एक नया अपना सिटी होल्डिंग नाम से एक अलग से अपनी सब्सिडियरी बनाई, और उसको उन्होंने बैड बैंक घोषित कर दिया कि ये बैड बैंक है। तो जो ये $900 बिलियन थे जो उनके एक तरीके से NPA बन चुके थे और उनको वापस नहीं मिल पा रहा था, उन्होंने ये क्या किया, पूरा का पूरा बैड बैंक्स में ट्रांसफर कर दिया। इस तरीके से क्या हुआ कि, और ये सिटी होल्डिंग जो थे, इन्होंने ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम अपनी एक्सपर्टीज डेवलप की कि कैसे NPA से अपना पैसा निकाल सकते हैं। इस वजह से क्या हुआ कि सिटी बैंक डूबा नहीं। अदरवाइज अगर आप सोचिए कि लेहमन ब्रदर्स डूब गया था, तो इतना बड़ा रिसेशन आ गया था, उसका इफेक्ट इंडिया तक पड़ा था, जबकि इंडिया एक अभी पूरी दुनिया से हम सही तरीके से उस टाइम पे हम जुड़े भी नहीं थे, और यूरोप में तो इसका बहुत ज़्यादा इंपैक्ट दिखा गया, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज़ में भी बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े बैंक थे जो कि बड़े बड़े बैंकों में पैसा लगाते थे अपने, क्योंकि वो देखते थे कि ये बैंक ग्रो करने वाला है। जैसे शेयर मार्केट में हम लोग जाके शेयर खरीद लेते हैं, उसी तरीके से कई सारी यूरोपियन कंट्रीज़ भी थी, उनके जो बड़े बड़े बैंक थे उन्होंने भी लेहमन ब्रदर्स में पैसा लगाया। तो लेहमन ब्रदर्स डूबने की वजह से यूरोपियन कंट्रीज़ पर भी इसका बहुत ज़्यादा इंपैक्ट पड़ा था। तो इस वजह से क्या हुआ था, पूरे दुनिया में फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया था, लेकिन उस टाइम पे बैड बैंक जो थे उन्होंने काफ़ी हेल्प करी ताकि अमेरिका जो है वो रिसेशन से बाहर आ पाए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सिटी ग्रुप ने तो बनाया था अपना ये सिटी होल्डिंग्स के नाम से बैड बैंक। उसके बाद फिर क्या हुआ था कि बैड बैंक्स ने, जो बार्कलेज बैंक है अमेरिका का या फिर बैंक ऑफ अमेरिका है, इनके भी स्ट्रेस जो थे, जो कि काफ़ी इनके भी जो लोन थे जो कि स्ट्रेस में आ चुके थे, इनके ऊपर भी उन्होंने, इनको भी रिकवर करने में काफ़ी ज़्यादा महारत हासिल करी, और उससे क्या हुआ कि उन्होंने अपना जो NPA जो था मार्केट में वो वापस वो अपना ले करके आ पाया पैसा, जिससे क्या हुआ कि इन बैंकों की कंडीशन ख़राब नहीं हुई। अदरवाइज़ ये भी अगर डूब जाते तो उस वक्त और भी कंडीशन वर्स हो सकती थी। उसी टाइम पे जो रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड है, उन जो मैंने आपको बताया ना अभी कि यूरोप के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा इंपैक्ट पड़ा था ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस का, तो जो रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड है उन्होंने भी अपने यहाँ पे क्या किया था, बैड बैंक बनाया था ताकि वो फाइनेंशियल जो स्ट्रेस आ गया था पूरी दुनिया में उससे वो टैकल कर सके अपने देश में। तो ये तो हम 2008 के ग्लोबल क्राइसिस की बात कर रहे हैं, लेकिन आप सोच रहे हो कि मैं इसके बारे में क्यों बात कर रहा हूँ, अब इंडिया के ऊपर तो ऐसा कोई क्राइसिस नहीं आया 2008 वाला जैसा, या पूरी दुनिया में, भले ही यहाँ कोविड की वजह से स्ट्रेस आ गया, लेकिन ये ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस जैसा नहीं। ये तो इस वजह से हुआ क्योंकि पूरी दुनिया में लॉकडाउन हो गया था, तो आज ये रीजन्स अलग हैं। तो हमारे यहाँ पर क्या हुआ है कि अब क्या है कि जैसा मैंने अभी आपको बताया कि COVID-19 की वजह से बहुत सारी कंपनियां बंद हो गई, तो बहुत सारी कंपनियां बंद हो गई, तो जो उन्होंने लोन लिए हैं वो वापस नहीं कर पाएंगे, वो जब वापस नहीं कर पाएंगे तो वो क्या होगा, NPA में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये लगभग जो आंकड़ा है वो 14% के आसपास पहुंच चुका है, जो अभी आपने देखा वो 9.08% था जो 2019 में, क्योंकि ये क्या हुआ था, हम रिकवर कर रहे थे काफ़ी ज़्यादा NPS को, लेकिन फिर से ये आंकड़ा भर के 2020 के अगर आप ये लास्ट क्वार्टर की बात करेंगे तो यहाँ पे 14% के आसपास पहुंच चुका है आंकड़ा। अब आप ये सोचिए कि अगर बैंक्स जो हैं उन्होंने जो लोन दिया हुआ है अमाउंट, अगर वो अपना पैसा रिकवर नहीं कर पाएंगे वापस, तो क्या होगा, उनके पास जो प्रॉफिट्स आने चाहिए, वो बैंक्स कैसे पैसा कमाते हैं, उन्होंने आपको लोन दिया, लोन पे कुछ वो इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, वो उनका प्रॉफिट होता है। अगर वो उनका पूरा लोन का अमाउंट ही डूब गया तो क्या होगा, उनका बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा। अगर उनका बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा तो फिर क्या होगा कि वो दोबारा आगे लोन नहीं दे पाएंगे, जो अभी जैसे गवर्नमेंट स्कीम चलाती है कि आप छोटे छोटे लोगों को जो MSME बिजनेस हैं उनको लोन दीजिए, तो अगर गवर्नमेंट, अगर बैंक्स के पास पैसा ही नहीं रहेगा तो वो लोन कैसे देंगे, अगर वो आगे लोन नहीं देंगे तो जो पूरा
पहिया है जो चक्का है वो ही घूम नहीं पाएगा। अगर वो घूमेगा नहीं तो फिर क्या होगा कि हमारी इकोनॉमी के पहिए रुक जाएंगे। तो इस वजह से बैंक्स के पास पैसा होना बहुत जरूरी है। अगर हमारे बैंक्स स्ट्रांग होंगे तो वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लोन देंगे, फिर वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग ज़्यादा बिजनेस करेंगे, ज़्यादा बिजनेस करेंगे तो वो अपना लोन वापस करेंगे बैंक्स को, और फिर बैंक्स के पास भी प्रॉफिट आएगा, फिर वो नए लोगों को लोन देंगे। तो इस तरीके से पूरा चक्का चलता है। अगर यहाँ पर कुछ भी एक कहीं पर भी प्रॉब्लम आ गई तो फिर क्या होगा कि पूरी इकोनॉमी का पहिया रुक सकता है। अब ये देखिए मैंने आपके लिए चार्ट लगा दिया, इसमें आप कंपेयर कर पाएंगे कि जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट है NPA जिसे हम कहते हैं, वो प्राइवेट सेक्टर बैंक जो है उनके पास कितना है और पब्लिक सेक्टर बैंक जो है उनके पास कितना है। तो अगर आप देखेंगे ये पब्लिक सेक्टर बैंक जो हैं इनके पास ये जो टोटल इन्होंने अभी तक जो इनका NPA है वो लगभग 546,615 करोड़ है, और जो प्राइवेट सेक्टर बैंक हैं इनका कितना है तो इनका आप देखेंगे तो 204,358 करोड़। मतलब डबल से भी ज़्यादा। ये आप यहाँ पे देखिए 19 प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं और यहाँ पे टोटल 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, लेकिन जो NPA है वो ज़्यादा किस पे है, पब्लिक सेक्टर बैंक्स पे है। तो इसमें से क्या है कि गवर्नमेंट के ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर आ गया, तो गवर्नमेंट अब चाह रही कि ज़्यादा जल्दी से जल्दी हम ये जो बैड लोन्स हैं इनका जो ये NPA है इनका हम इंतजाम करें, अदरवाइज़ क्या होगा कि ये इकोनॉमी के ऊपर बहुत ज़्यादा लोड डालने वाले, और हम जो कोशिश कर रहे हैं कि हम जो अच्छी ग्रोथ रेट अचीव करें हो सकता है कि उसमें प्रॉब्लम आ जाए लॉन्ग टर्म में। वो आप ये देखिए NPA की वजह से क्या हो रहा है, ये देखिए मैंने आपके लिए 2019 का ये कटआउट है, ये मैंने आपके लिए लाइव मिंट जो पेपर है उससे लिया है मैंने, ये उसमें आप ये देख सकते हैं 2019 के लास्ट जो क्वार्टर होता है उसका ये रिपोर्ट दे रहा है। उस टाइम पे क्या था, जो 17 हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक थे उस टाइम पे बैंक ज़्यादा थे, अभी तो क्या है कि काफ़ी सारे बैंक्स को मर्ज कर दिया है हमने पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो गवर्नमेंट ने, इसमें से क्या हुआ इनके आंकड़े कम होते जा रहे हैं, लेकिन उस टाइम पे क्या था टोटल पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो थे उनका जो नेट प्रॉफिट था वो एक नया जो प्राइवेट सेक्टर बैंक खुला था जो कि आपने नाम सुना होगा आजकल वो काफ़ी चर्चा में, बंधन बैंक जो है, उन्होंने आप सोचिए 17 जो बैंक थे उन्होंने कंबाइंड मिलकर के जितना प्रॉफिट कमाया था उससे ज़्यादा प्रॉफिट अकेला एक नया सा ये जो बैंक आया बंधन बैंक से हाल फिलहाल में लाइसेंस मिला है, अभी उससे पहले स्मॉल फाइनेंस बैंक था, तो इसका आप सोचिए ये बंधन बैंक ने इनसे ज़्यादा प्रॉफिट कमा लिया। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये आपने देखा ना पिछली स्लाइड में ये जो NPA आप देख रहे हैं कि कितना है इनके पास 546,000 करोड़ रुपए, तो ये जो है ये सबसे बड़ी रुकावट है। अगर जब तक इसका गवर्नमेंट समाधान नहीं ढूंढेगी तब तक क्या होगा ये बैंक्स और खड्डे में जाते जाएंगे, और फिर गवर्नमेंट जो है वो जो उनका टारगेट है कि हम अच्छी ग्रोथ रेट अचीव करें वो ना कर पाएंगे। तो इसमें से क्या है इनको रोकने की बहुत ज़्यादा, इनको कंट्रोल करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि NPA को कंट्रोल करा जाए जल्दी से जल्दी। अब हम कुछ बेनिफिट्स देखेंगे कि बैड बैंक जो है उनको बनाने के बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं। तो आप ये देखिए जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि क्या होते हैं कि बहुत सारे जो बैंक्स होते हैं और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन समझ रहे हैं आप जो कि बैंक्स नहीं होते, बैंक्स कौन से होते हैं जो कि आपके लिए सेविंग अकाउंट खोल सकते हैं वो बैंक्स होते हैं। आप ये मान के चलिए बहुत ही एकदम शॉर्ट डेफिनेशन है कि बैंक्स कौन होते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कौन होते हैं। जो भी आपके सेविंग्स अकाउंट खोल सकते हैं वो सब बैंक्स की कैटेगरी में आ गए, और जो आपके सेविंग्स अकाउंट नहीं खोल सकते हैं लेकिन आपको लोन प्रोवाइड कर सकते हैं वो सब क्या है कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो। जैसे कि आपने ILFS का नाम सुना था, वो अभी डूब गया तो अभी काफ़ी ज़्यादा उनको वो चर्चा का विषय बना हुआ है, तो आप उससे रिलेट कर पाएंगे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या होते हैं। तो ये क्या होते हैं कि जब बैड बैंक्स बन जाएंगे तो इन्होंने क्या किया, जो भी इनके बैंक्स हैं या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं इनके पास जो भी NPA है इन्होंने क्या किया एक साथ कंबाइंड करके इन्होंने बैड बैंक के पास ट्रांसफ़र कर दिया कि भैया जो तुम अब ये हमारा जो NPA है तुम संभालो, अब हमारे पास की है नहीं है। तो इनका इससे क्या होगा, अगर इन्होंने अपना सारा NPA ट्रांसफ़र कर दिया तो ये जो इनका मेन काम है, इनका मेन काम क्या है, लेंडिंग। जब तक ये लेंडिंग नहीं करेंगे तो पूरी इकोनॉमी का पहिया रुक जाएगा, मैंने आपको अभी समझाया कैसे। तो अगर इनका जो मेन काम है लेंडिंग ये वो करें केवल, तो अगर ये वो करना है इसको तो इनको अपना फोकस जो है वो चेंज करना पड़ेगा, अपना फोकस ये NPA से हटा के इनको लेंडिंग पे देखना पड़ेगा कि कौन जो सही बंदा है जिसको हम लोन देंगे तो वो हमें रिटर्न कर पाएगा और इकोनॉमी में ही कंट्रीब्यूट कर पाएगा। तो इस तरीके से इनको बंदा सही सा चूज़ करना है बैंक वालों को, और लोन देना ज़्यादा से ज़्यादा लोन देना है ताकि हमारी कंट्री जो है वो ग्रो कर पाए। अब देखिए मैंने बताया कि जब क्या होगा कि कई सारे बैंकों से अगर मान लीजिए एक बंदे ने लोन लिया हुआ है तो क्या होगा, ये स्पीडियर सेटलमेंट कर पाएगा बैड बैंक जो है वो कैसे कर पाएगा कि कई सारे बैंकों से लोन दिया है, मान लीजिए PNB से भी किसी बैंक बंदे ने लोन लिया, SBI से भी लिया है, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स से भी लिया, अलग अलग 4-5-6 बैंकों से लिया है, तो अगर हर बैंक अलग अलग जाकर के हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में केस करेगा तो उनको काफ़ी ज़्यादा टाइम मनी और सब कुछ उनको अपना रिसोर्सेज लगाने पड़ेंगे वहाँ पे। तो वो क्या है कि जो उनका लेंडिंग पे उनको ध्यान देना चाहिए मेन, उनसे उसका फोकस डाइवर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर यही एक काम क्या करते हैं कि अपना सारा का सारा जितने इनका NPA हो गया इन्होंने ये सारा उठाया और बैड बैंक को ट्रांसफर कर दिया, तो क्या है कि अब बैड बैंक को टोटल पता है कि 6 बैंकों से इस बंदे ने 10,000 करोड़ रुपये लिए हुए हैं, तो वो क्या है उसको ज़्यादा इफेक्टिवली सॉल्व कर पाएगा। और फिर क्या है कि अभी अगर ये क्योंकि केवल वो NPA को सॉल्व करने में ही डील कर रहा है तो उसकी एक्सपर्टीज़ हो जाएगी तो फिर क्या करेगा, जल्दी से जल्दी वो उस पॉइंट पर पहुँच पाएगा कि जो बंदा है जिसने पैसे लिए थे वो भी उसको भी प्रॉब्लम ना हो, और इनका जो NPA है उसको भी हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा पैसा रिकवर कर सकते हैं वो रिकवर कर लें। हम देखेंगे कि गवर्नमेंट के सामने क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। गवर्नमेंट में कुछ ऐसे लोग हैं जो कि चाह रहे हैं कि बोल रहे हैं कि बैड बैंक जो हैं वो इतने ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। तो आइए हम देखते हैं कि क्या पॉइंट्स हैं जो अगेंस्ट में जा रहे हैं बैड बैंक्स के।
तो ये देखिए, ये क्या है कि हमने, जैसा आपको पता होगा इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड है, तो गवर्नमेंट बोल रही है कि हमने पहले से इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड जो है वो बनाया हुआ है। तो वो क्या करता है, जितनी भी बड़ी बड़ी 100 करोड़ से ऊपर के जितने भी ज़्यादा केस हैं, जो भी सब भाग गए हैं, उनके ऊपर वो कि उनका पैसा रिकवर करने में हेल्प करता है। अभी क्या है कि गवर्नमेंट के पास, देखिए, एक तो क्या हो गया कि हमने IBC बनाया हुआ, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड कोड जो है, तो गवर्नमेंट बोल रहा है कि ये तो हमने पहले से ही बनाया हुआ है, तो हमें बैड बैंक बनाने की क्या जरूरत है। ऊपर से क्या है कि बहुत सारी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं, ARC एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज है बहुत सारी, जो कि प्राइवेट भी हैं और सरकारी भी होती हैं, हो सकती हैं, लेकिन अभी मेरे को डिटेल में मालूम नहीं है कि सरकारी है या नहीं है, लेकिन प्राइवेट बहुत सारी कंपनी हैं जो कि इस फील्ड में काम कर रही हैं, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी जो खुली हुई हैं। तो गवर्नमेंट क्या कह रही है कि जो जितने भी बड़े बड़े जो हमारे पैसे लेकर भाग जाते हैं लोग, अगर 10,000 करोड़ 20,000 करोड़, उन सबका जो सॉल्व करने के लिए वो हमारे पास IBC पहले से है, तो हम बैड बैंक बना के क्या करेंगे। और जो अगर मान लीजिए बड़े बड़े जो प्रॉब्लम्स है वो IBC ने सॉल्व कर दिए, तो फिर जो छोटे वाले रह जाएंगे, तो उतना ज़्यादा तो उसमें रिसोर्स लगाने का भी कोई मतलब नहीं है, कि मतलब टाइम वेस्ट होगा, पैसा भी लगाना पड़ेगा, हमें बैंक बनाना है। तो अभी गवर्नमेंट कह रही है कि बड़े वाले निपटाने के लिए IBC पहले से, और छोटे वालों के लिए ARCs जो है वो पहले से काम कर रही हैं। प्राइवेट ARCs क्या होती हैं कि ये क्या करती हैं, जो बड़ी बड़ी बैंक्स हैं, जैसे मान लीजिए कि गवर्नमेंट सेक्टर बैंक हो गई या प्राइवेट सेक्टर बैंक हो गई, उनके पास जाते हैं, उनसे बोलते हैं कि आपके पास जो भी NPA है वो हम आपसे खरीद लेंगे। अब खरीदेंगे, ऑब्वियस वाली बात है कि वो सही रेट पे तो नहीं खरीदेंगे। मान लीजिए कोई चीज़ 10 रुपये का कोई नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, तो उन्हें पता है कि 10 के 10 तो वो क्या करते हैं, वो बोलते हैं कि आप हमें 5 या 6 रुपये में बेच दीजिए। तो बैंक्स को भी लगता है कि हाँ 5 या 6 रुपये में बेच देते हो तो हमारे पास भी तुरंत 5-6 रुपये आ गए, और 10 रुपये का जो वो NPA है वो अब क्या करेगा, ARC जो है वो देखेगा कि वो रिकवर कर सकता है या नहीं कर सकता। अगर वो रिकवर कर लेता है तो वेल एंड गुड, उसका प्रॉफिट हो गया। अगर वो रिकवर नहीं कर पाता तो उसका लॉस हो गया। तो क्या होता है, ये रिस्क वाला बहुत बड़ा गेम है, जो कि कई सारी प्राइवेट कंपनीज करती हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे अब क्या है कि ARC और मैं आपको बैड बैंक में डिफरेंस भी बता देता हूँ। तो बैड बैंक क्या होते हैं, ये खरीदते नहीं हैं, मतलब प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर बैंक जो होते हैं इनसे खरीदते नहीं हैं NPA, ये क्या करते हैं सारे बैंक्स ट्रांसफ़र कर देते हैं बैड बैंक्स को, और जब वो वापस आएगा तो ये वापस इन बैंक्स को वापस मिल जाएगा, जो भी 2-4% कमीशन होगा वो बैड बैंक अपना कमीशन ले लेगा, बाकी इनको दे देगा। लेकिन ARCs ऐसा नहीं करते हैं, ARCs क्या करते हैं, वो खरीद लेते हैं इनको। अब अगर वो पैसा मिल गया तो उनका प्रॉफिट, नहीं मिला तो उनका घाटा, मतलब बैंक जो होते हैं वो इससे बाहर हो जाते हैं। तो यही जो है वो सबसे बड़ा ऐसा है बैड बैंक और ARCs में। तो आपको एडवांटेज पता लग गए होंगे बैड बैंक्स के क्या हैं काफ़ी हद तक अभी तक। तो हम देखते हैं कि जो मॉरल हैजार्ड आ रहा है, कि मतलब गवर्नमेंट क्या कह रही है कि क्यों बैड बैंक्स बनाने में क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो ये इसके ऊपर देखते हैं, हम एक नज़र डालते हैं। तो गवर्नमेंट बोल रही है कि अगर मान लीजिए कि हम बैड बैंक बना लेते हैं, तो गवर्नमेंट को पहले से फंड देना पड़ेगा उसे काफ़ी सारा। तो गवर्नमेंट बोल रही है कि हमारा जो पहले से पैसा फंसा हुआ है उसको वापस लाने के चक्कर में, एक तो हम पहले से बहुत सारा पैसा उसके ऊपर फिर से लगाएं पैसा, मतलब हमारे डूबा हुआ पैसा है उस पर भी हम श्योर नहीं है कि पैसा मिलेगा या नहीं, पर हमें उस डूबे हुए पैसे को वापस आने के लिए फिर से और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, और ये पैसा किसका है, अल्टीमेटली जनता का पैसा है। तो गवर्नमेंट बोल रही है कि हम नहीं चाहते कि हमारे द्वारा ऐसे हम इसके ऊपर पैसा और खर्च करें। दूसरा, गवर्नमेंट क्या कह रही है कि एक और बहुत बड़ी जो प्रॉब्लम हो सकती है वो ये हो सकती है, जैसे मान लीजिए कि जितना भी NPA होता जा रहा है, तो अभी तो क्या है कि सारे बैंक्स परेशान है कि हमें जल्दी से जल्दी NPA रिकवर करना है, लेकिन अगर मान लीजिए कल को बैड बैंक क्रिएट हो गया, और वो मान लीजिए सरकारी बैड बैंक है जो कि काफ़ी बड़ा है, मतलब जैसे कि गवर्नमेंट ने बोल दिया इट इज़ ऑल्सो टू बिग टू फेल, तो फिर कल को क्या हुआ कि जितने भी NPAs होते जाएंगे, चाहे वो पब्लिक सेक्टर बैंक में हो या प्राइवेट सेक्टर बैंक में, वो क्या करेंगे अपना जो बैड बैंक को अपना सारा ट्रांसफर करते जाएंगे। अगर मान लीजिए उसे मिल गया तो वापस उनको उनके, मतलब अगर बैड बैंक ने रिकवर कर लिया पैसा तो वापस उनको बैंक्स को मिल जाएगा, लेकिन अगर नहीं रिकवर कर पाया तो क्या हुआ, वो पैसा डूब गया। तो क्या हुआ कि इस तरीके से अनलिमिटेड लेंडिंग करते जाएंगे अगर जो बैंक्स हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है हमारी इकोनॉमी के लिए, क्योंकि कोई भी चीज़ अनलिमिटेड नहीं होनी चाहिए, उसके ऊपर जरूर कोई ना कोई रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए। तो ये क्या कर रहा है, गवर्नमेंट कह रही है कि अगर हमने बैड बैंक क्रिएट कर दिया, और इससे क्या हुआ कि अगर अनलिमिटेड लेंडिंग बैंक्स देते रहे कि आई नहीं तो कल बैड बैंक जो है हमारा NPA रिकवर कर लेगा, और अगर बाद में NPA नहीं रिकवर हो पाए तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो इस वजह से गवर्नमेंट जो है वो खुलकर के समर्थन में नहीं आ रही है बैड बैंक को बनाने के। अभी जब गवर्नमेंट क्या होता है कि अगर वो किसी प्रॉब्लम में फंस जाती है और उनके पास परफेक्ट सॉल्यूशन नहीं है, कि मतलब वो हाँ या और ना में डिसाइड नहीं कर पा रहे, तो वो क्या करते हैं, कमेटीज़ बनाते हैं। तो आप ये देखिए, यहाँ पे इन्होंने गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई, KV कामत कमेटी, इसका नाम आप याद कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी है, किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम में पूछ सकता है, KV कामत कमेटी। तो क्या हुआ कि अब गवर्नमेंट ने कमेटी बनाई है और इनसे कहा है कि सजेशन मांगे हैं इनसे कि आप बताइए कि बैड बैंक बनाने चाहिए या नहीं बनानी चाहिए, और क्यों बनानी चाहिए, क्यों आपको लगता है कि जरूरी है बैड बैंक बनाना। तो KV कामत कमेटी जो है, इन्होंने हाल ही में अपनी रिपोर्ट सबमिट करी है। इन्होंने इसमें कहा है कि जब तक कोविड नहीं था, जब तक प्री कोविड स्टेज थी, तो क्या थी, जो हमारी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं, इसमें जो ILFS थी, वो सारी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं, तो ये आ गई NBFCs में, पावर कंपनी जो है हमारी, स्टील कंपनीज है, रियल इस्टेट कंपनी है, कंस्ट्रक्शन कंपनी, ये सारी की सारी पहले से स्ट्रेस में है, मतलब इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा लोन हो गया, ये पे नहीं कर पा रहे हैं। तो एक तो ये हो गया,
तो अभी गवर्नमेंट बोली पहले से ये सारे तो थे ही थे, अभी जब से कोविड आ गया तो उसके बाद फिर क्या हुआ कि जो रिटेल ट्रेड में जो कंपनी मतलब छोटे छोटे जो MSME हैं उनके ऊपर प्रॉब्लम्स आ गई हैं, होलसेल ट्रेड में जो कंपनीज इन्वॉल्व हैं, रोड्स बनाने के लिए जो बड़े बड़े ठेकेदार जो ठेके लेते हैं वो फिर क्या होता है कि अपना लोन पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं वापस क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है, क्योंकि तो ये सब कोविड के बाद भी प्रॉब्लम सारी काफ़ी सारी क्रिएट हो गई। तो केवी कॉमर्स कमेटी बोल रही है कि अगर आप इन सारी प्रॉब्लम्स को सुलझाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि हमारा देश सही तरीके से ग्रो कर पाए, इकोनॉमी अच्छे से चल पाए और हम हाई जो हम टारगेट कर रहे हैं कि हमें 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना है जल्दी से जल्दी, तो अगर हम इन सब चीज़ों को ध्यान में रखें तो हमें बनाना चाहिए बैड बैंक्स को जल्दी से जल्दी, वेरी क्रूशियल क्रूशियल अगेंस्ट दिस बैकड्रॉप। तो ये केवी कॉमर्स कमेटी तो बोल रही है कि हमें बनाना चाहिए बैड बैंक को। अब देखते हैं कि गवर्नमेंट कितनी जल्दी से जल्दी इसके ऊपर ध्यान देती है और बैड बैंक्स को क्रिएट करती है, जो कि ज़रूरी लग रहा है हमारे प्रेजेंट टाइम की इकोनॉमी को देखते हुए। तो ये था हमारा वीडियो, और आपका इस वीडियो को ध्यान से देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हमारी आप वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुँचे। मैं ऐसी ऐसी वीडियोज़ और भी लाता रहता हूँ, तो अगर आप सब्सक्राइब करते हैं हमारे चैनल तो आपको जो भी मैं नई वीडियो डालूंगा उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, तो आप उन वीडियोज़ को भी देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।